पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी के लिए हमने एक पैन लिया है, इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा, जो है हाफ टी स्पून। जब जीरा चटकने लग जाएगा, इसकी स्लो इसकी फ्लेम हमने तेज रखी है, जब जीरा चटकने लग जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अनियन। ये टू मीडियम अनियंस हमने काट के पहले से अलग रखे थे, चॉप्ड किए हमने। ये टू मीडियम साइज ऑनियन है जो हमने चॉप करके रखे थे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हमको उसको सेलोफाइन मतलब पिंक होने तक ऐड करना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। सॉरी, इसके पहले हम इसमें ग्रीन चिली, दो ग्रीन चिली हमने चॉप करके रखी थी। थोड़ा सा पिंक हो जाएगा अनियन। हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। कच्चापन, लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म करेंगे, दो मिनट को चलाएंगे। ये हमारा लहसुन अदरक पेस्ट का कच्चापन खत्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम। हम बनाने जा रहे हैं पनीर भुर्जी, जिसमें हमने शिमला मिर्च लिया किया मसाले में। उसके बाद हमने ऑयल लिया था, फिर उसके अंदर हमने ऑयल गर्म होने के बाद में हमने जीरा ऐड किया, फिर दो अनियन मीडियम साइज के काट के इसके अंदर ऐड किए, फिर रेड टी स्पून मैंने डाला इसके अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट, दो छोटी छोटी हरी मिर्ची, आधी कैप्सिकम। अगर आपको कैप्सिकम ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप एक छोटी कैप्सिकम डाल सकते हैं। बनाने के बाद में अब हमने दो ये टमाटो चॉप करके रखे थे, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर को पकाने के लिए हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने अभी पूरा डाल दिया ताकि हमको बाद में नहीं डालना पड़ेगा। टमाटर गलने तक हम इसको पकाएंगे। जब टमाटर पक गया है तो हम इसमें क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची, एक टी स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची क्वार्टर टी स्पून ऐड करके इसको भून लेंगे। इसमें नींबू का एक नींबू काट के सबसे एंड में भी ऐड करेंगे। मसाले को अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से पकाएंगे, पूरा भुनेंगे। ये मैंने 150 ग्राम पनीर का सब्जी बनाई है, 150 ग्राम पनीर की पनीर भुर्जी बनाई है। इसके अकॉर्डिंग सारी सामग्री ली है। आपको अपनी पनीर ज़्यादा हो तो क्वांटिटी हर चीज़ की बढ़ा लेनी है।
अब ये मसाले जब बन गए हैं तब इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम पनीर ऐड कर देंगे जो हमने ग्रेट करके रखे थे। फ्लेम की आंच कम कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला जो मैंने घर में बनाया, होममेड है। क्वार्टर टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया। गरम मसाला सबसे एंड में डालना है।